यूट्यूबर। ओह माय गॉड भाई यूट्यूबर हो आप। ये हमारे राहुल भाई। मुझे तो सच कहूँ ऐसा लग रहा है कि किसी की समाधि अमाधि ना हो, कुछ अजीब सा डरावना सा है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम यहाँ पे सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और हम चौका की नदी के पास खड़े हैं। क्या पता दोस्तों का वेट कर रहे हैं, कहीं शायद जाने का प्लान बन रहा है। अब कहाँ रह गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं हमारे जगह के छल्ले। भाई यूट्यूबर हो आप? नहीं नहीं भाई, मैं यूट्यूबर तो देख रहे आने वाला यूट्यूब आने वाला यूट्यूब फ्यूचर का। हम लोगों को वीडियो में ले लो यार, हम लोगों को ले लो, थोड़ा फेमस हो जाए। चलिए तो ठीक है गाइस, देखिए ये हमारे राहुल भाई हैं, हिमांशु भाई हैं और ये हमारे मनोज भाई हैं। हे गाइस कैसे हैं आप लोग, आयो बढ़िया होंगे। सो गाइस लो संभालिए आप अपना संभालिए। सो कैसे हैं गाइस आप लोग, आयो बढ़िया होंगे। गाइस आज संडे का दिन है और हाँ आज हम लोग निकले, हम लोग सब साथ में है क्योंकि हम भी गांव से आ गए हैं और हमारे तीनों भाई भी हमें मिल गए हैं। तो सोचा कि चलिए ब्लॉग पर चलते हैं, एक बार फिर एक नया ब्लॉग लेकर आते हैं। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं आज बरा के जो पंचम नगर वाला डैम है वहां पर। सुना है बहुत ही अच्छा डैम है, जैसे अपने पगरा डैम वाला डैम है ना, इससे भी अच्छा है ऐसा सुना है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इन लोगों के साथ। कोई है इसमें जो गया हो आज तक? नहीं कोई नहीं गया, सब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। सस्पेंस है उस वीडियो में, देखना आगे चलकर। तो चलिए हम लोग चलते हैं और मिलते हैं आपको फिर वहीं पर, और रास्ते की जो भी एक्टिविटी होगी आपको शेयर करेंगे, बतलाएंगे जो जो हम लोग एंजॉय करेंगे। 20 मिनट्स लेटर गाइज, और हम यहाँ रास्ते में आ चुके हैं घटिया पर, आधी रास्ता तय होने वाली है। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, देखो यहाँ पे रील बनाई जा रही है, क्या चल रहा है ये हम लोग तो। ये देखिए गाइस हमारे भाई लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं और शॉर्ट्स वीडियो वगैरह भी बना रहे हैं। ये हमारे राहुल भाई, देखिए भाई लोग का डांस चल रहा है मस्ती के साथ। तो गाइस आप देख रहे हैं हमारे दोस्तों की मजाक मस्ती, भाई लोग डांस कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये हमारे मयंक भाई शूट कर रहे हैं, ये देखिए। होले 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 हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार, होले हो जाएगा प्यार। चलो हो गए। 1 hour later. So guys हम लोग पंचम नगर बांध पर पहुंच चुके हैं। बांध आप देख रहे हैं पीछे है, वो ही बांध है, और जो यहाँ पर सामने साइड आप देख रहे हैं ये नदी है अपनी बेवस नदी। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, ऑनेस्टली कहूँ तो तैयारी के साथ नहीं आए थे हम लोग, ऐसे ही सुबह उठे और फिर फ़ोन आ गया कि चलो कहीं चलते हैं, तो बस पंचम नगर का प्लान बन गया, तो कोई तैयारी नहीं हुई। नहीं तो आपको तो पता ही है जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो पूरी स्क्रिप्ट के साथ जाता हूँ, पूरी जानकारी लेकर। बाकी चलिए देखते हैं जो जो मिल जाएगा सोशल मीडिया पर आपको बतला देंगे। हमारे इधर भाई लोग भी पहुँच गए हैं। सो ऐसे नदी है और बहुत ही विशाल आकार में दिख रही है, गहराई नहीं पता इसकी हम लोगों को, फिर भी हमारे मयंक भाई बताएंगे उसमें कूद कर कितनी गहराई है। बतलाओ जाओ, हाँ कूद जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। स्कूल वाले नया रिज्यूम देख लेंगे। अबे साले गाइस चारों तरफ शांति शांति छाई हुई है, बिल्कुल एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। इधर अंदर साइड है किला और ये बांध, गाइस सामने पेड़ है कटा हुआ पेड़, और इसके ऊपर हमारे मनोज भाई खड़े हुए हैं, और ये रस्सियों से बंधा हुआ है, ये रेड कलर की जो आप देख रहे हैं।
पतली पतली, एक ये रस्सी है और एक सामने की तरफ रस्सी है, और ये पत्थर से बंधी हुई है, पत्थर से दबी हुई है। शायद इसलिए बनाई गई होगी कि जब बांध का पानी तेज होता होगा तो इसमें ये लकड़ी कहीं बह ना जाए या फिसल ना जाए, है ना। एक और लकड़ी डली हुई है, वो भी बंधी हुई थी, लेकिन अब रस्सी इसकी कमज़ोर है, निकली हुई है, हाँ इससे बंधी हुई है, तो इसलिए होगा ये। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये बंधी रहती हो इधर, और अगर कोई यहाँ जानवर वगैरह बह के आए या कोई इंसान, जब पानी का बहाव तेज हो तो इसे पकड़ कर संभल जाए वो, तो कुछ भी हो सकता है, अब हम लोगों को नहीं पता। Few moments later. बिल्कुल बेयर ग्रिल्स जैसा लग रहा है, एडवेंचर करने निकले हैं। अरे रास्ता दो यार। तो गाइस हम लोग बांध से लगभग 1 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और यहाँ पर जब आए तो भैया ने बतलाया जो मछली पकड़ रहे थे कि किला जो है इस नदी के उस साइड है, सामने की साइड, और अगर आपको किले पर जाना है तो जो बांध है ना अपना, वो पीछे वहां से आपको सीधा क्रॉस करते हुए पहुंचना होगा, तब हम लोग पहुंचेंगे इस साइड जो किला है वहां पर। पता नहीं क्या है, एक दीवार सी बनी हुई है बस, कुछ अंदर साइड भी ऐसा नहीं है कि कुछ हो। इस साइड आप देखेंगे तो बस ये एंड ही है इसका, पता नहीं ये क्या बना था उस समय पर, कुछ बतलाइए जरा हिस्ट्री इसका क्या है। कहाँ बताओ, शायद यहाँ पे सभा वगैरह होती होगी ऐसा लग रहा है देखने में, आप देख सकते हो क्योंकि स्टेज टाइप का ही बना है। हाँ हाँ, क्योंकि ये ताम्रकार जी है, और ये ताम्रकार जी के मतलब यहाँ पर जो रहते थे वो ताम्रकार ही रहते थे, जैन रहते थे, तो ये उनके वंशज के हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इनको ज्यादा जानकारी यहाँ की हो सकती है, क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं है यहाँ का। शायद यहाँ पे कोई सभा वगैरह लगती होगी पुराने जमाने में, या फिर राजा मनोरंजन के लिए होता होगा, तो गाइस नृत्य संगीत के कार्यक्रम वगैरह होते होंगे यहाँ पे। मुझे तो सच कहूँ ऐसा लग रहा है कि किसी की समाधि अमाधि ना हो, कुछ अजीब सा डरावना सा है, अब पता नहीं क्या है। सब लोग का इतिहास, हाँ चलिए हमारे मनोज भाई से जानते हैं। हाँ, यहाँ पे पंचम नगर का इतिहास, पन्ना के राजा छत्रसाल के पुत्र हृदय साय थे, उनकी पत्नी का नाम था पांचु नाम से, और यहाँ पे उन्होंने शासन किया है, उन्हीं के शासन काल में इसका निर्माण किया गया था, जो यहाँ पे किला बना है इसके उस साइड है जो भी, और यहाँ पे बहुत सारे समुदाय के लोग रह चुके हैं, जैसे ताम्रकार, सोनी, जैन, मतलब इनका उल्लेख मिलता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये, मतलब ये पीरियड 16वीं शताब्दी के बीच में, क्योंकि इसी टाइम पर रानी दुर्गावती थी, उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों को मतलब सर पेश किया है, तो यही सब इतिहास के पन्नों में इसकी जानकारी मिलती है, इससे ज्यादा मुझे जानकारी है नहीं। स्टार्ट करो। सो गाइस हम लोग वहां से वापस आ गए हैं, जहां पर अपना डैम है वहां जा रहे हैं, और किले पर तो हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है और टाइम भी हो रहा है। गाइस हम लोग डैम के बिल्कुल पास में ही आ चुके हैं, आप देख रहे हैं, और ये बना हुआ है डैम, देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये डैम है, लगभग 15 गेट हैं यहाँ पर, और एक टाइम ऐसा आता है जब पानी पूरा पुल के ऊपर तक हो जाता है तो ये पूरे के पूरे गेट खोल दिए जाते हैं, मतलब ये सभी गेट खोल दिए जाते हैं। तो गाइस एक टाइम ऐसा आता है जब पानी ऊपर से निकलने लगता है तो ये सभी गेट जो है वो खोल दिए जाते हैं, 15 के 15 गेट, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो गाइस हमने सोचा था कि हम डैम के ऊपर जाएंगे और वहाँ से आपको दिखलाएंगे सब, लेकिन यहाँ का जो गेट है अभी वो बंद है, मेन गेट जो है डैम के ऊपर जाने का वो अभी बंद है, तो हमने सोचा कि चलिए हम आपको यहीं से नीचे से ही सब दिखला देते हैं। अभी यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, आप देखिए यहाँ से तो और भी अच्छा दिखाई दे रहा है, देखिए पूरी
Few moments later. So guys, ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है. हम लोगों को जितनी जानकारी थी, जो भी कुछ यहाँ था, हमने दिखला दिया जहाँ तक पहुँच पाए. तैयारी के साथ नहीं आए थे इसलिए डिटेल नहीं बतला पाए, लेकिन हम सभी दोस्त आए थे तो थोड़ा घूम लिया, एंजॉय कर लिया, हंसी मजाक कर लिया और शॉर्ट्स भी बना लिए कुछ, तो आपको देखने को मिलेंगे. बाकी चलिए चलते हैं और मिलेंगे फिर आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नई जगह पर, नए प्लेस पर. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ख्याल रखिएगा अपना. और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ठीक है.